हेलो फ्रेंड्स, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पवार। आज मैं आपको बहुत अच्छी और बहुत ही पावरफुल हेयर डाई बताऊंगी, जिसे यूज़ करने से आप अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं, बालों को काला कर सकते हैं। और अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे ना, तो आपके बालों में बहुत अच्छा कलर आएगा इसका डाई का। तो अब मैं इसे आप बनाती हूँ और इसे कैसे बनाना, चलो शुरू करते हैं। अब उसके लिए मुझे क्या सामान चाहिए वो मैंने पहले आपको बता दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए भीगी हुई मेथी। मेथी से क्या होता है, एक तो बालों में इसमें इतने ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं जो बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इसकी जो अच्छी क्वालिटी है वो हम जिस तरीके से हम बालों में आज लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। बालों को सॉफ्ट बनाएगी, बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल बंद कर देगी। और इसमें क्या होता है, मेथी में अगर आप शुरू से ही इसका इस्तेमाल करेंगे, जिन लोगों की एज कम है, तो वो बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से नरिश करेगी, बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल बंद कर देगी, और ये रूट से वर्क करना शुरू करेगी तो आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वो बिल्कुल रुक जाएंगे। और दूसरा, मैं आज इस्तेमाल करूंगी इसमें फ्रेश आंवला। वैसे तो आपको 12 महीने आंवला मिल जाएंगे, लेकिन जो सर्दियों के मौसम में आंवले आते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए तो आंवला एक ऐसा तत्व है जो अगर हम इसे आज, जैसे हम ड्राई आंवला इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट दूसरा होता है, लेकिन आज हम हरा आंवला इस्तेमाल करेंगे तो इसका, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है जो फ्रेश आंवला होता है, इसलिए तो इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा विटामिन, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और हम जिस तरह कच्चे आंवले की आज डाई बनाएंगे उसका रिजल्ट बालों में बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप इसे 3 महीने बराबर यूज़ कर लेंगे इस डाई को सर्दियों के मौसम में, तो आपके बाल 12 महीने बहुत अच्छे रहेंगे इसलिए। और इसमें मैं फ्रेश जो एलोवेरा है उसका इस्तेमाल करूंगी। एलोवेरा भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, इसमें तो बहुत सारे गुण होते हैं। और एक एलोवेरा ऐसी चीज़ है, अगर आप परमानेंट अपने बालों में इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे शुरू से ही, तो आपके बाल बिल्कुल भी वाइट नहीं होंगे, शुरू से ही आपके बालों को मेंटेन करके रखेगा ये। और दूसरा, अगर आप जिन लोगों की एज बहुत ज़्यादा है, वाइट बाल होने शुरू हो गए हैं, जैसे 25 के बाद आजकल तो वाइट बाल शुरू हो जाते हैं, 25, 30, 35, तो उस एज में अगर आप एलोवेरा का यूज़ कर देते हैं बालों के लिए, तो उससे क्या होता है, जब आप एलोवेरा यूज़ करते हैं तो ये ना आपके बालों में जो अगर वाइट बाल हो रहे हैं ना, तो उनको वहीं रोक देगा, आगे बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे वाइट होने के लिए। इसलिए तो एलोवेरा आपके वाइट बालों को मेंटेन करके रखेगा कि इससे आपके आगे बाल वाइट ना हो, और जो वाइट बाल हो गए हैं वो धीरे धीरे करके, वो उनकी जो, उनको जड़ों से ही जो अगर उन्हें ताकत मिलेगी तो वो फिर वो बिल्कुल ब्लैक निकलेंगे। इसलिए तो इस तरीके से हम तीनों चीज़ों से आज बहुत अच्छी डाई बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ये एलोवेरा लिया है, एलोवेरा और आंवला, इन तीनों चीज़ों को हम मिक्सी में पीसेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए मैं, एलोवेरा को आपको छीलना नहीं है क्योंकि हमें बालों के लिए यूज़ करना है, तो हम इसकी पत्ती को ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम मिक्सी में पीसेंगे, तो इसके हम ऐसे बारीक बारीक पीस कर लेंगे, और मैं एक पूरी पत्ती लूँगी। पेस्ट बनाना है क्योंकि मुझे पहले, सबसे पहले इन तीनों चीज़ों का। और आंवला को हम क्या करेंगे, इस तरीके से आंवला के जो बीज है वो निकाल लेंगे पहले इस तरीके से हम, क्योंकि इसकी जो अंदर का बीज होता है वो तो हम पीस नहीं पाएंगे मिक्सी में, तो बहुत ज़्यादा वैसा हो जाएगा, ये पीसने में मुश्किल हो जाएगी, इसलिए क्योंकि कच्चे आंवला थोड़ा हार्ड होते हैं। और इस तरीके से हम इसके जो ऊपर का छिलका है वो सारा ले लेंगे। अभी मैं आपको बना के बता रही हूँ, तो आप इस पेस्ट को थोड़ा ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं हम, क्योंकि हम इसका सिर्फ पकाएंगे नहीं, हम इसको कच्चा ही यूज़ करेंगे, इसलिए क्योंकि पकाने से क्या होगा, इसके जितने भी ताकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और हम चाहते हैं कि हमारे बालों को बहुत ज़्यादा पोषण मिले। और इस डाई का रिजल्ट आपके बालों में इतना अच्छा होगा, अगर आप इसे एक ही बार यूज़ करेंगे ना, तो आपको एक ही बार में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। इसलिए अभी देखिए, मैंने एक पत्ती ली है और एक आंवला, मैं आपको बना के बताती हूँ थोड़ा सा। अभी आप आंवला थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसमें हम, ये मेथी है मेरी 2 चम्मच जो मैंने पहले से भिगा के रखी हुई है, तो भिगा के रखने से क्या होगा, मेथी एक तो जल्दी पिस जाएगी, और दूसरा क्या है, इसके ना जो हम थोड़ा, ये मेथी थोड़ा चिपचिपी टाइप की हो जाती है भिगाने के बाद, तो जब हम इसका पेस्ट बनाकर इसे मेहंदी में लगाएंगे तो ये हमारे बालों को कंडीशनर का भी काम करेगी, हमारे बालों को सॉफ्ट बनाएगी। जैसे आप, मैंने बहुत सारे आपके साथ मेथी की बहुत सारी रेसिपी शेयर की है, तो बहुत अच्छे तरीके से बालों को ये हमारे नरिश करेगी इस तरीके से। और अब हम इन तीनों चीज़ों को पीस लेंगे। इस तरीके से हम इसे छान लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने छान लिया है क्योंकि हमें इसकी डाई बनानी है, तो डाई बनाने के लिए हम इसे पकाएंगे नहीं, नेचुरल ऐसे ही यूज करेंगे। और जब आप इसे बालों में लगाएंगे ना, सिर्फ वॉश करेंगे, तो आपके बालों में ऐसा नहीं हो कि ये जो है ये फंस जाए, इससे धोने में बड़ी दिक्कत होती है बालों में कितनी बार, क्योंकि मेथी क्या होती है, चिपक जाती है बालों में, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है इस तरीके से। अभी देखिए, मैंने इसका पूरा छान लिया है ये, और इसको भी हम इस तरीके से निकाल लेंगे पूरा।
क्योंकि मेथी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मेथी, एलोवेरा जो हम नेचुरल चीज़ें बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देखिए एक जेल फॉर्म में बन गया है ये। इसके आप इसे आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने इस जेल को बना लिया है तो आप इसे, जैसे हम बालों में ऑयल लगाते हैं तो आप इस तरीके से इसे सिर धोने से पहले, जैसे 1 घंटा पहले आप इसे बालों में लगा लीजिएगा तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से जेल बन जाएगा। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं, बहुत ही रफ बाल है ना, अगर वो इस तरीके से भी इसे बालों में लगा लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा बालों में। लेकिन हमें तो इसे डाई के लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंगे एक आयरन की कढ़ाई और इसमें मैं, आपके पास जो भी नेचुरल हिना है आप वो ले लीजिएगा, इसलिए तो मैं इसमें हिना का यूज़ करूँगी। अभी देखिए इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच हिना, क्योंकि ये रूट टचअप की तरह मेरा काफ़ी हो जाएगा, जैसे मुझे रूट्स में लगाना है, इसलिए 2 चम्मच हिना में मैं जितना हमारा ये जेल है वो मैं इसमें डालकर पेस्ट बनाऊँगी इस तरीके से। अभी तो ये लग रहा है कि बिल्कुल ग्रीन है, लेकिन जब इसे, क्योंकि हमने इसमें कच्चे आंवले का यूज़ किया था, तो जब आप इस पेस्ट को बना कर रख देंगे, जैसे आप इसे रात भर बना के रख दें, तो आप जब इसे कल बालों में अप्लाई करेंगे ना तो बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा और ये ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि कच्चा आंवला और आयरन जो, जैसे हमने लोहे की कढ़ाई ली है और इसमें कच्चा आंवला डालकर हमने पेस्ट बनाया है, इस तरीके से जब आप इसे रात भर रख देंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी बालों में, क्योंकि आंवला तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का, जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बालों को काला करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से हम इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। और इसे बनाने के बाद आपको वही सेम चीज़ें करनी है जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि हमारे बालों में कलर नहीं आ रहा है। और मैं आपको इसे लगा कर भी बताऊँगी बालों में इसे लगाना कैसे है। देखिए इस तरीके से हम इसे बनाकर, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा वाइट हैं वो इसे रात भर बालों में जैसे आप इसे बनाकर रख दीजिएगा, आप इसे रात भर बना के रख दीजिएगा, उसके बाद आप इसे बालों में कल अप्लाई करें इसलिए। और जिन लोगों के बाल नॉर्मल हैं तो वो इसे, जैसे जिन लोगों को खाली कलर चाहिए कि हमें अपने बालों का कलर ब्लैक करना है, तो वो इसे 1 घंटा पहले घोल के रख दें, उसके बाद बालों में अप्लाई कर लें इस तरीके से। ये देखिए अब इसका पेस्ट बना लिया है हमने अच्छा सा, और हम इसे ढककर रख देंगे रात भर, फिर इसे हम कालों बालों में अप्लाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। और जैसे जैसे इसे डाई को हम कढ़ाई में रख देंगे, जैसे जैसे हमारा टाइम होता रहेगा थोड़ा, जैसे रात भर रख देंगे हम इसे, तो जैसे जैसे टाइम एक्सपेंड होता रहेगा पूरा, तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगी डाई, और इसका रिजल्ट बालों में बहुत ही अच्छा रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप इसे साफ बिल्कुल क्लीन बालों में लगाएं, और बालों में लगाने के बाद आप थोड़ा सा शावर कैप लगा लें, तो इससे क्या होगा, मॉइस्चर आपके जड़ों तक जाएगा, तो वो जड़ों से ही वर्क करना शुरू करेगी, और आपके जो बाल बहुत ही ज़्यादा, अगर किसी के बाल ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, या किसी के नॉर्मली जैसे जेनेटिक्स में होता है किसी के बाल बहुत बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते, बहुत हार्ड होते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत ही नेचुरल रेमेडी है। और इसे लगाना है आपको कम से कम, आप इसे 1 घंटा बालों में जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें मैंने नेचुरल हर्बों का इस्तेमाल किया है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला करेगी, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। बस आपको बराबर यूज़ करना है। जिन लोगों की एज कम है वो इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर लगाएं, जिन लोगों की एज ज़्यादा है वो भी शुरू शुरू में हफ्ते में 2 बार लगाएं, और उसके बाद आप धीरे धीरे रूटीन में आ जाएंगे, तो धीरे धीरे आपके बालों को लगेगा कि कलर रह रहा है, तो आप फिर अपने बालों के अकॉर्डिंग जैसे आपको लग रहा है जरूरत है तो आप लगा लीजिएगा। लेकिन बहुत अच्छी रेमेडी है, नेचुरल तरीके से बालों को काला करेगी, बहुत लंबे टाइम तक टिकने वाला है इसका कलर, इसलिए तो आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी वो मुझे जरूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।